दही खाने के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं, लेकिन क्या किडनी रोगी दही को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन सोल्यूशन सिर्फ एक हेल्दी रिनल डाइट से जुड़ी हर जानकारी आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। बदले में आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या किडनी रोगी दही खा सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे व्यूअर्स का कॉमन सवाल है, तो बस इस सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हैं। किडनी रोगी दही खा सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, दही खाने से होने वाले फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका सेवन उसी तरह करेंगे जैसे डाइटिशियन आपको बताएं। आपको सिर्फ घर में बना दही ही खाना चाहिए, वो भी टोंड मिल्क से बना हुआ या फिर गाय के दूध से बना हुआ। आपको पैक्ड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड या बहुत प्रोटीन वाला दही नहीं खाना है। सिर्फ इतना ही है, आपको इस बात पर भी खास ध्यान देना है कि आप बहुत सीमित मात्रा में दही खाएं अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही, तो बिना डाइटिशियन की सलाह के इसे अपनी डाइट में शामिल न करें। हमसे सलाह लेने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पर अपनी समस्या लिखकर हमें भेजें। किडनी रोगी एक सावधानी और बरतें, रात के समय यानी डिनर में दही बिल्कुल ना खाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दही के बहुत से फायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे। इससे आपको ज़रूरी कैल्शियम मिलेगा, आपका डाइजेशन सुधरेगा, साथ ही हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में भी मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप डाइटिशियन की सलाह के अकॉर्डिंग इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे। हमेशा की तरह हम कहेंगे कि किडनी के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को जरूर चुनें। आयुर्वेदिक औषधियों के उपचार से इस बीमारी और इससे शरीर पर पड़ने वाले सभी डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। आइए किडनी के ऐसे ही एक रोगी के बारे में जानें जिन्होंने एलोपैथी से निराश होकर आयुर्वेद की ओर रुख किया। फिस्टुला करने के लिए कहा था पहले से। अच्छा, जब आपका पता मिल गया तो मैं आपके पास आया था। अच्छा, तो कहाँ से पता चला था हमारा? मुझे पता ऐसे कि व्हाट्सएप से आया था, कहीं से पूछा। अच्छा, ठीक है। तो जब आप आए थे क्रिएटिनिन लेवल कितना था तब आपका? मेरा क्रिएटिनिन लेवल तकरीबन 8.5 के करीब था। 8.5 के? तो तब आपको डायलिसिस वगैरह बोल दिया था। हाँ, ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया आपको इलाज शुरू करने को? 3 महीने पूरे हो गए आपके पास। 3 महीने? अभी कितना है क्रिएटिनिन लेवल? अभी 5.5 है। 5.5? तो उस इन बिटवीन जैसे आपने मंथ ऑन मंथ कराया था, 8.5 के बाद कितना आया था? 8.5 के बाद मेरा 6.5 आया था, एक बार 7 आया था, एक बार 6.5 आया था, पिछले महीने में 6.5 था। अब 5.5 के आसपास है। ठीक है, यूरिया कम हो गया है। ये है इनकी रिपोर्ट जो लेटेस्ट है, इसके अंदर द क्रिएटिनिन लेवल इज 5.7 एंड यूरिया इज 62.1 यूरिया है। स्टार्टिंग में इनका यूरिया था 98, उसके बाद यूरिया डिक्रीज हुआ इनका 78, और अब जो है ये 62 के आसपास है, यानी कि ये रेगुलर और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है। तो जब आप आए थे क्या क्या आपको दिक्कत तकलीफें हो रही थी? दिक्कत तो नहीं होती थी, ऐसे पैरों पर हाथ पे सूजन लगती थी और थकन होती थी। थकान थोड़ी अभी थकन कम होती है, लेकिन सुबह में रहती है ये मुझे। पैरों में सूजन हुई थी पहले? हाँ, पैरों में शुरू में थी सूजन, लेकिन अभी नहीं। बहुत अच्छी बात है। ज्वाइंट पेन थोड़े से होते हैं, इसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ये है इनकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR की रिपोर्ट जो हमने कराई है इनकी, और इसके अंदर जो GFR है दैट इज़ अबाउट 16.5 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, एंड बोथ द किडनीज आर नॉर्मल इन साइज। किडनी का जो साइज़ है वो दोनों का इनका नॉर्मल है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट साइज ऑफ द किडनी इज़ नॉर्मल, एंड अलॉन्ग विद दैट द GFR इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल। खाने पीने का परहेज भी कर रहे हैं ना? खाने पीने का परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन खाने में तो कुछ नहीं जा रहा था। मैं आपको दोबारा एक बार डाइट चार्ट दोबारा चेंजेस है वो बता रहा। तो देखा आपने, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी है, इनमें क्षमता है कि ये खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सकें। तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। भारत का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक किडनी केंद्र कर्मा आयुर्वेदा। हमारा पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें।
अगली वीडियो में भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।